पास पेपर का सवाल था ए बी सी, तीन डायग्राम दी थी और पूछा था ऑप्शन ए बी सी डी करके। एक ऑप्शन में था ए इज एरोमेटिक, बी इज एंटी एरोमेटिक, सी इज नॉन एरोमेटिक। इसी तरह एक में था ए इज एंटी एरोमेटिक, बी इज नॉन एरोमेटिक, सी इज एरोमेटिक, इस सब ऑप्शन दिए। तो आए देखते हैं, ये वाला तो ऑफकोर्स नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। ये तो हो गया नॉन, ये हो गया एरोमेटिक। जनाब sp2 प्लस का मतलब भी होता है sp2 और इलेक्ट्रॉन की तादाद दो बन रही है क्योंकि जाहिर है डबल बॉन्ड का लव दो इलेक्ट्रॉन, प्लस का लव जीरो इलेक्ट्रॉन। आए इसको देखते हैं जनाब, sp2 नेगेटिव का लव भी sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है, प्लेनर है पहली कंडीशन। या तो अभी एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक, अब ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन। दो तो ही हो गए, नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो प्लस दो चार इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फोर के टेबल में 4, 8, 12, 4n pi का रूल फॉलो होगा, क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है जी, वेरी